सो हेलो एवरी वन वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव और ये आपका दूसरा प्रश्न था सो द सेकेंड क्वेश्चन इट वॉज़ दैट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर टू फेसिस ऑफ अ क्वाइन एक्सप्लेन ठीक है तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है दैट द कल्चर एंड इस तरह से पूछा गया था दैट द कल्चर एंड द सिविलाई सिविलाइजेशन की जगह पे उन्होंने सोसाइटी डाल दिया था ठीक है दैट द कल्चर एंड सोसाइटी दे आर टू फेसेस ऑफ अ कॉइन इसको एक्सप्लेन करना था ठीक है या फिर ये कल्चर और सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से डाला जा सकता है दैट द कल्चर इट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट कुछ भी इस तरह का पूछा जा सकता है तो इस तरह से देखिए जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा लगभग सेम रहेगा बट यू हैव टू अडेप्ट टू द क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है? उस, उसके साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ठीक है सो so, पहली कला होती है क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना ठीक है जब आपको पेपर मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पेपर थॉरली ठीक है वहां पे पेपर को पढ़ के देन ट्राई टू डीलिमेट कि आपने उस क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस में क्या क्या लिखना है ठीक है अगर आप प्रॉपरली उन चीजों को देख पाओगे अगर आप प्रॉपरली उन चीजों को पहले ही रीडिंग में प्रॉपरली समझ पाओगे देन ओनली योर पेपर इज गोइंग टू बी फाइन ठीक है तभी आपका जो पेपर है वो अच्छा होगा अगर पहली रीडिंग में ही किसी ने स्किप कर गए चीजों को तो आपका पेपर अच्छा होने के बहुत कम चांसेस हैं, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि आपके पास जो कल्चर है और जो आपके पास सिविलाइजेशन है दे आर द टू फेसेस ऑफ अ क्वाइन और इस चीज को एक्सप्लेन करना है ठीक है सो इन द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस दैट वॉट इज कल्चर एंड वॉट इज सिविलाइजेशन देखिए एक तो है कि आप ई बी टाइलर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दे जो कि सबको मुंह मूजबानी रटी होती है ठीक है दैट इट इज अ कंप्लेक्स होल ऑफ दिस एंड दिस एंड एंड दिस दिस ठीक है जो दूसरा है और जो काफ़ी इफेक्टिव वे है वो इस अगर पंद्रह नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है देन आप ई बी टाइलर की डेफिनेशन से शुरू कर लीजिए बिकॉज यू हैव लिबर्टी ऑफ द स्पेस स्पेस की आपके पास लिबर्टी है आप चीज़ों को लिख सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हो लेकिन अगर आपके पास टेन मार्कर क्वेश्चन होता है तो टेन मार्कर क्वेश्चन में आपके पास वो लिबर्टी छिन जाती है आप उस लिबर्टी के साथ आप चीज़ों को नहीं लिख सकते है. सो ट्राई टू एनालाइज सीधा ही पकड़िए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वहीं से आप क्वेश्चन को उठा लीजिए कल्चर क्या होता है भाई दीज आर द देंटी कंस्ट्रक्ट्स ठीक है ये मेंटल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं मेंटल कंस्ट्रक्ट्स मतलब आपके ईथोज आपके मॉरल्स आपके आइडियाज आपका रिलीजन आपका बिहेवियर ये सारा पार्ट होता है भाई कल्चर का दूसरा होता है आपके पास सिविलाइजेशन ठीक है तो सिविलाइजेशन में क्या आता है ये लैपटॉप ये पेन ये राइटिंग पैड ये माइक ये जो सारी चीजें हैं ये सिविलाइजेशन में आ जाती हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन करना है फिर उसके बाद कैसे मेंटी कंस्ट्रक्ट्स और जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस तरह से रिलेटेड है आपको बस वही समझाना है और पहले हम कर चुके हैं थ्यूरीज वाला पोर्शन और थ्यूरीज के साथ इन चीज़ों को जोड़ दीजिए आखिरकार थ्यूरीज क्या थी आपने थ्यूरीज क्यों पढ़ी थ्यूरीज में या तो मेथड्स थे मेथड्स फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडर्निज्म फॉर एग्जांपल कॉगनेटिव एंथ्रोपोलॉजी टू रिकॉर्ड दी एथनोग्राफीज ठीक है एथनोग्राफीज को रिकॉर्ड करने के लिए नेटिव्स का व्यू रिकॉर्ड करने के लिए वो मेथड्स दिए गए थे या फिर आपके पास थ्यूरीज थी थ्यूरीज टू अंडरस्टैंड कल्चर तो उन्हीं थ्यूरीज को यूज कीजिए और कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में जो एक इंटरलिंक है उसको खोजना स्टार्ट कर दीजिए उसको उसको उभारिए उसको दिखाइए एग्जामिनर को कि ये होता है और इन्हीं चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स अपने बेस कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल जो दोनों हैं आपके पास चाहे कल्चर हो जाए चाहे सिविलाइजेशन हो जाए दोनों सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम करते हैं ठीक है तो जैसे आपके पास आर्स रेडक्लिफ ब्राउन ने कल्चर को किस तरह से दिखाया द कल्चर इसमें क्या होता है आपके पास ट्रेडिशन होते हैं लॉज होते हैं ठीक है तो ये आपके पास जो ट्रेडिशन हैं, लॉज हैं ये क्या बताते हैं कि किस तरह से जो आपके पास सोसाइटी का मेटीरियल टर्स है वो यूज होगा ठीक है तो इस तरह से जो आपके पास कल्चर है इट इज रिलेटेड टू द मेटीरियल अपरेटस ठीक है ये गवर्न करेंगे कि किस तरह से आपने चीजों को यूज करना है ठीक है तो अल्टीमेटली दोनों चीजें जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को स्थापित करने में काम कर रही हैं देन बोथ आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल वेबर वेबर ने हिंदू सोसा जो आपके पास इंडियन सोसाइटी है हिंदू कल्चर का एक क्रिटिक दिया था कि हिंदू कल्चर में कभी भी जो आपके पास कैपिटलिस्ट uh, टेक्नोलॉजी है वो नहीं चल पाएगी क्यों क्योंकि वेबर ने कहा था डेट हिंदुज़म में ऑलरेडी कम्युनिटी सेंस बहुत ज़्यादा है ठीक है उस कल्चर में बिकॉज देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी बिकॉज देयर इज अ आइडिया सो रिजिड आइडिया ऑफ कम्युनिटी तो आपके पास जो है वो कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यहां पे काम नहीं कर पाएगी ठीक है बट ऑन दी अदर हैंड बेली ने ये प्रूव किया है साउथ इंडिया में आ, फील्ड वर्क करके दैट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन योर सिविलाइजेशन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट यूर कल्चर ठीक है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पैक्ट होती है एंड दिस टेक्नोलॉजी इज इट दिस हैव इफेक्टेड यूर कल्चर उसने कल्चर को इफेक्ट किया है ठीक है सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कोर कल्चरल कोर का एग्जाम्पल दे सकते हो वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि जैसे आपकी आपकी टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे आपका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी सिविलाइजेशन ने कल्चर के ऊपर इफेक्ट डाल दिया ठीक है तो इस तरह से आपको चीज़ों को बताना था देन यू हैव मलिनोस्की की ने आपका कंसेप्ट दिया है चार्टर एंड मटीरियल अपरेटर्स का कि जैसे मटीरियल ऑपरेटर्स चेंज होता है वैसे ही जो ईथोज हैं वो चेंज होते हैं आपके पास क्योंकि मटीरियल ऑपरेटर्स को उसे यूज़ करना होता है सोसाइटी को ताकि वो अपनी चीज़ों को सर्वाइव कर 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 सके इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर सके ठीक है और जो चार्टर्स होते हैं चार्टर्स का मतलब है ईथोस आइडियाज़ वो ये तय करते हैं कि कौन सा मटेरियल ऑपरेटर्स अंदर आएगा ताकि वो भी जिंदा रह सकें तो मलिनोसके का कहना था कि सारी चीज़ें इस तरह से ऑपरेट करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें हर एक एलिमेंट कल्चर का वो इसी तरह से ऑपरेट कर रहा होता है ताकि उसकी यूटिलिटी बन सके क्योंकि यूटिलिटी है तभी वो जिंदा रह सकेगा तभी वो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड uh, रहेगा उस कल्चर में उस सोसाइटी में देन ग्रीड्स ग्रीड्स ने भी इन चीज़ों के बारे में लिखा है उनका मानना था कि जो कल्चर है वो uh, हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस टर्बन दिस टर्बन आल्सो सिम्बलाइज समथिंग बट व्हाट इट विल सिंबलाइज इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ठीक है तो इस तरह से दे आर आल्सो इन टेंडम देखिए ये सारे अलग अलग डायमेंशनस हैं मैंने ऐसा नहीं किया है कि, कि किसी एक डायमेंशन को पकड़ा रेड क्लिफ ब्राउन को पकड़ा और बस रेड क्लिफ ब्राउन को घसीटता चला गया या फिर वेबर को पकड़ा और वेबर को घसीटता चला गया ठीक है दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी इन द आंसर तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है आंसर में वो आपको लेके आनी है ओके एंड दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड और इसी तरह से आपको कंक्लूड करना है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज That ऑल cultures आर हाइब्रिड क्रिटिकली एनालाइज ठीक है सो so, ये क्वेश्चन इस इस तरह के जो क्वेश्चन हैं दे आर जस्ट टू सी योर मेंटल अंडरस्टैंडिंग वो आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए ही होते हैं कि आपने चीजों को समझा है अच्छे से या नहीं समझा है? ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर था भाई ये क्वेश्चन डिफ्यूजनिज्म के ऊपर पूछा गया था ठीक है सिर्फ डिफ्यूजनिज्म को आपको यहां पे डिस्कस करना था चीजों को कि सारे कल्चर्स हाइब्रिड होते हैं ठीक है यानी कि डिफ्यूजन हो रहा होता है कल्चर में एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको ले रहा होता है और किस तरह से ले रहा होता है वही चीज़ों को आपने बताना था सबसे पहले आपने ब्रिटिश स्कूल को डिस्कस करना था दैट मैन इज़ अन ठीक है और वो जो है वो दूसरे के जो ट्रेड्स है वो अपने कल्चर में धारण करता है वो दूसरे के ट्रेड्स अपने कल्चर में लेता है ठीक है वो आपको लिखना था दूसरा आपके पास टेक द केस ऑफ द जर्मन स्कूल जर्मन स्कूल में किस तरह से जो पूरा का पूरा जो कल्चरल कम्प्लेक्स है वो चला जाता है और किस तरह से जो अगला कल्चर है वो अडेप्ट करता है वो बताना था ठीक है यहाँ पे ऑल्सो जो अलग अलग आप स्कूल्स लिख रहे हो उसके फील्ड वर्क्स भी लिखने हैं वहाँ पे ठीक है जैसे अगला है अमेरिकन स्कूल ठीक है अमेरिकन स्कूल में फ्रेंड्स बोआ ने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का मेथड लगाया और बताया कि हाँ असिमिलेशन हो रहा है ठीक है तो उसके साथ आप बेरेंट स्टेट्स का जो उनका फील्ड वर्क था वो भी लिखोगे ठीक है सो दिस इज हाउ यू शुड हैव रिटर्न दिस पर्टिकुलर आंसर बिकॉज क्रिटिकली एनालाइज है तो उसके नीचे आप उन चीज़ों को क्रिटिकली भी बता दो कि जो आपके पास एवोल्यूशनिस्ट स्कूल है वो मानता है कि जो डेवलपमेंट है वो पर्यावर होता है वो डेवलपमेंट जो है सबसे पहले वो होता है ठीक है ब्रिटिश जो ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल है उसके क्रिटिसिज्म बता दो अमेरिकन का क्रिटिसिज्म बता दो सो दिस इज हाउ यू शुड रिटन दिस आंसर इस तरह से इस आंसर को लिखना था ओके okay? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो घुमा के पूछे जाते हैं आप देखिए जब मैं डिफ्यूजनिज्म के बारे में जब पूछा जब मैंने देन एवरी वन हैज़ रिटन आ राइट आंसर बहुत अच्छा आंसर सभी ने लिखा बट जब यहाँ पे क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया गया तो जो आंसर्स हैं वो पता ही नहीं क्या क्या लिखना स्टार्ट कर दिया कल्चर से लिखना स्टार्ट कर दिया फिर कई तो सोसाइटी के ऊपर आ गए कईयों ने कल्चरल पैटर्न्स के ऊपर चले गए मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं लोग ठीक है सो so, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिए प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए देन ओनली यू कैन राइट अ गुड आंसर तभी एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे आप लोग ओके सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको पढ़ सकूँ और आपके डाउट को एड्रेस कर सकूँ थैंक यू वेरी मच